सकता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जाता है मार्केट प्लेसेस के थ्रू। कम से कम पैसे में अगर आपने को बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे पहले चाहिए भैया एक लैपटॉप या कंप्यूटर। कंप्यूटर के गए जमाने, लैपटॉप रखिए आप, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक प्रिंटर। अच्छा, लैपटॉप कोई बहुत हैवी है, बहुत महंगा वाला लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल 20-25 हज़ार वाला लैपटॉप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या उससे भी कोई कम में मिल जाए तो ठीक है, जिसमें नॉर्मल एक्सेल चलती हो या ये वेब ब्राउजर ये सब चल रहा हो। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ठीक ठाक वाला, उसके अलावा एक प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर में क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रिंटर भी आता है जिसमें सिर्फ वो सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है, अपने बिल्स जो प्रिंट आउट करेगा। और ऐसे भी प्रिंटर आता है मार्केट में जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी तीनों भी होते हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल प्रिंटर आता है जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग का काम होता है वो सस्ता पड़ता है, रैदर देन जिसमें सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप एक प्रिंटर ले लीजिए, नॉर्मल सा A4 साइज शीट होती है, वो पेपर जो होते हैं वाइट पेपर, वो चाहिए होंगे, उनके बंडल्स जो होते हैं, ठीक है। फिर चाहिए होगा प्रेमाइस। प्रेमाइस में मतलब आपको, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप स्टार्टिंग में पहले से एक किसी अच्छे से मार्केट में जाके आप शॉप रेंट पे लें या गोडाउन रेंट पे लें, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको GST नंबर लेना पड़ेगा एक। अब वो GST नंबर आप अपने घर के एड्रेस पे, अगर आपका घर बड़ा है या वहाँ पर जगह है, घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा या एक्स्ट्रा हॉल या अगर ऐसी कोई जगह है, तो आप अपने घर के नाम से भी GST नंबर इशू करवा कर अपने घर से भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क, यानी ब्रांड नेम, जो मैं काफ़ी ज़रूरी समझता हूँ। और मेरे हर वीडियो, ज़्यादातर वीडियो में मैं ये जरूर इस पर एम्फेसाइज करता हूँ, इस पर दबाव डालता हूँ कि भाई साहब, मैं आपको ट्रेडमार्क तो अपना रखना ही रखना है, कुछ नहीं। आप जब इतना ही खर्चा कर रहे हो, जब आप अगर लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो तो ट्रेडमार्क तो लेना ही लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद में एक आपका खर्चा आएगा, जो आप GST नंबर लेते हो तो हर महीना GST रिटर्न जाती है, तो उसका जो CU चार्जेस देने होते हैं, ठीक है, वो CU के चार्जेस लगेंगे। और लास्ट एक बचा पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल जो वाइट पॉली बैग्स आती है या ठीक है टेप आती है, टेप रोल्स आते हैं, तो ये नॉर्मल मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि ये मिनिमम इतना तो चाहिए एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर ऑनलाइन रिटेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं।